नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेक्टिव एक्शन तथा प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में। यह सवाल बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि करेक्टिव एक्शन क्या होता है और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कापा बोला जाता है, CAPA, जिसमें करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन दोनों दो चीज़ होता है। अगर करेक्टिव एक्शन के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है, करेक्टिव एक्शन आर दोज एक्शन विच आर टेकन ऑन द रूट कॉज टू प्रिवेंट रीअकरेंस। इट मीन्स करेक्टिव एक्शन ऐसा एक्शन है जिसे हम किसी दुर्घटना के हो जाने के बाद उस दुर्घटना के रूट कॉज के ऊपर एक्शन लेते हैं, ताकि हमारे फ्यूचर में ऐसा दुर्घटना रिपीट ना हो, उसे हम करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। जिसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक वर्कर बिल्डिंग के बाहरी हिस्से के तरफ, मतलब आउटर एज पर काम कर रहा है तथा उसकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर के आसपास है, और काम करने के दौरान उसके हाथ से कोई भी टूल्स नीचे गिरता है और वह टूल्स किसी दूसरे कर्मचारी के ऊपर गिरता है और दुर्घटना हो जाती है, तो इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर हम रूट कॉज का पता लगाते हैं कि वह टूल वर्कर के हाथ से गिरा कैसे, तथा ऐसी दुर्घटना दोबारा फ्यूचर में ना हो उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, तो इस दुर्घटना को फ्यूचर में रोकने के लिए या दोबारा ऐसी दुर्घटना ना होने के लिए हम सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो टूल्स या मैन या मटेरियल को नीचे गिरने से रोक सकते हैं, तथा टूल्स लेनियार्ड का इस्तेमाल कर हम टूल्स को फॉल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये था करेक्टिव एक्शन का उदाहरण, जिसे करेक्टिव एक्शन समझ में आया होगा। आगे हम समझेंगे प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PA बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव एक्शन का डेफिनेशन होता है, प्रिवेंटिव एक्शन आर दोज एक्शन विच आर टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉजेज टू प्रिवेंट द अकरेंस। जैसे कि हम करेक्टिव एक्शन के बारे में बात किए थे कि री अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और प्रिवेंटिव एक्शन में हम अकरेंस को प्रिवेंट करने के बारे में बात करेंगे। करेक्टिव एक्शन जो कि एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के बाद लिया जाता है, तथा प्रिवेंटिव एक्शन एक्सीडेंट होने के पहले ही लिया जाता है। तो प्रिवेंटिव एक्शन के डेफिनेशन को समझेंगे। मैं प्रिवेंटिव एक्शन के डेफिनेशन से ही पता चलता है कि प्रिवेंटिव एक्शन ऐसे समाधान होते हैं जिनका हम पोटेंशियल कॉजेज पर अप्लाई करते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन का मकसद होता है कि हम पोटेंशियल कॉज के ऊपर एक्शन ले तथा समस्या को उत्पन्न ही ना होने दें, जिसे हम डेली साइट ऑब्जर्वेशन की मदद से पोटेंशियल कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं, तथा प्रिवेंटिव एक्शन लेकर हम दुर्घटना को होने से पहले ही हम दुर्घटना को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन तथा करेक्टिव एक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही कोई क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछा गया हो और आपको उसका जवाब आप नहीं दे पाए होंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका ऊपर वीडियो बनाकर उसे हम समझाने की तथा बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।